तुम काहे टेंशन ले रही हो? अब है ना, अब से कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखेगा ना, आंख नोच लेंगे साले की। इतना ख्याल रखेंगे तुम्हारा। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, हमें घर साफ करना है ना, बहुत गंदा हो गया है। अरे शेखर बाबू, आज सूरज पश्चिम से निकला था क्या? क्या हो गया भाभी? अरे रोज देखते हैं, तुम ऑफिस जाते हो, विद्या तुम्हें बाहर तक छोड़ने आती है, आज वो छोड़ने नहीं आई। वो भाभी विद्या मायके गई है ना, कुछ काम था उसे, आ जाएगी वो जल्दी। इनफैक्ट मैं ही उन्हें लेने जा रहा हूँ कुछ दिनों। तब तो तुम जल्दी करो, वरना अकेलेपन के दिन कैसे कटेंगे? हमको पता है आप विद्या के बिना नहीं रह सकते। आज आपकी पत्नी आपके साथ नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए पूछ लिया कि सब ठीक है कि नहीं। कौन है रे? कितना हैंडसम है देख। हाय, क्या हॉट भाभी आई है पड़ोस में, अब तो हर दिन मजे है मेरे, नयन सुख भी मिलेगा और मजे भी। क्या हुआ विद्या, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, जगह तो बहुत अच्छी है, बस थोड़ी नई है ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। कुछ दिन यहाँ रहोगी तो तुम्हें आदत हो जाएगी, फिर ये घर भी तुम्हें अपना घर जैसा लगेगा। चले। हाँ। संभालो। अरे ये नया घर तो हमें ठोकर मार रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इसे भी पता है कि तुम्हारा ख्याल सिर्फ मैं रखूंगा। लग रहा है दूल्हा नई नई घोड़ी चढ़ा है, तभी तो अपनी बीवी को इतना लाड कर रहा है। छोड़िए ना हमें। तुम ये बताओ तुम्हें घर कैसा लगा? हाँ अच्छा तो है। और सबसे बढ़िया जगह। अब छोड़िए हमें। और ये मेरी फेवरेट जगह। अच्छा सोफा। अच्छा ये बताओ तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? पता नहीं। वाह क्या प्यार है पति पत्नी का। वो हम बबीता आपके पड़ोस में ही रहते हैं, वो आप लोग नए नए आए हैं ना, तो सोचा वेलकम कर लूं, जान पहचान हो जाएगी। ये हमने आप लोगों के लिए बनाया है। आइए आप बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। वैसे आप लोगों को देखकर लगता है कि नई नई शादी हुई है, कहां मैं कबाब में हड्डी बनूं? अरे आप कबाब में हड्डी बनने की चिंता छोड़िए, हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। 4 साल? आप दोनों को देख के तो लगता है 4 दिन हुए होंगे। क्या करे भाभी, हमारा प्यार ही ऐसा है कि हमें खुद को ही पता नहीं चला कि हमारे शादी को 4 साल हो गए।
ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है। काश ये हमारा आखिरी घर हो, हमें फिर से ना बदलना पड़े। वैसे आप सही कहते हैं, इस घर से ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मैं सोच रहा था कि कोई लोन लेके इसे खरीद ले, क्या कहती हो? खरीद ले? हाँ, मतलब अगर तुम कहो तो हम कोशिश कर लेते हैं कि कोई लोन मिल जाए। जहाँ हम दोनों है ना, वही हमारा घर है, चाहे हम कहीं भी हों। चलो सो जाते हैं, काफी देर हो गई है ना। मेरा ये पति पत्नी की सौगात वाला वीडियो पूरे लखनऊ में कोहराम मचा देगा। फिर मैं करूंगा भाभी के साथ मजे वीडियो का इस्तेमाल करके। ये आपका टिफिन। थैंक यू। जाओ। शेखर, आपका पर्स। अच्छा, आज आप जल्दी आ जाइएगा, आज हम आपकी फेवरेट भिंडी बनाएंगे। देखो, तुम ज्यादा फालतू की मेहनत मत करो, तुम जानती हो तुम्हारी हर बनाई हुई सब्जी मेरी फेवरेट होती है। हम जानते हैं, आप प्लीज आज जल्दी आ जाइएगा। देख रही हो लैला मजनू को? इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती है कि मोहल्ले के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अच्छा जाइए अब। अरे वो दोनों पति पत्नी हैं और प्यार ही तो कर रहे हैं। तो रोका किसने है? घर के अंदर करे ना, ऐसे सवेरे सवेरे दुकान लगा के बैठ जाते हैं रोड के ऊपर दुनिया को दिखाने के लिए। पर तुम क्यों जल रही हो? हम क्यों जले? और वैसे भी जलने की बात है क्या कोई? भैया ये आधा किलो भिंडी कर दीजिए। दीदी आप नहीं आई हैं क्या मोहल्ले में? जी भैया। आप हमसे ही सब्जी लिया कीजिए। ले लेंगे जरूर भैया, आप पहले अपना भिंडी कर दीजिए क्योंकि हमारे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है। क्या बात है, बहुत ख्याल रखती हो अपने पति का। तुम्हारी शादी को तो 4 साल हो गए ना, और अभी तक एक भी बच्चा नहीं है। क्यों? अरे भाभी हम तो खुद बच्चे हैं, अभी हमें बच्चों की क्या जरूरत है। अरे इतने साल हो गए शादी को, शेखर कुछ कहता नहीं है तुमसे? भाभी शेखर को तो खुद बच्चे नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि अगर बच्चा आ गया तो प्यार बढ़ जाएगा। उसे नहीं चाहिए, पर तुम्हें तो चाहिए ना? मुझे तो वो चाहिए जो उन्हें चाहिए। जब तक बच्चा नहीं है तब तक हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं,
अगर बच्चा आ गया तो फिर हम एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे सकते, तो इससे अच्छा है कि बच्चा ही ना हो। अजीब है तुम लोगों का प्यार। अच्छा भाभी, आप किसी रिपेयरिंग करने वाले को जानते हो क्या? मुझे ना घर पे कुछ रिपेयरिंग करवानी है, आप भिजवा दोगे? हाँ, मेरे पास है और मैं भिजवा भी दूंगी। वो तुम्हारा कम पैसे में सारा काम करके देगा, ठीक है? ठीक है भाभी जी। वो बबीता ने भेजा हमको रिपेयरिंग के लिए। ओ आइए आइए। मैडम, घर तो काफी अच्छे से रखा हुआ है आपने, यहाँ रिपेयरिंग का कौन सा काम है? जो दिख रहा है उस पर मत जाइए। ऊपर कबर्ड टूटी पड़ी है, घर के पूरे कपड़े बाहर पड़े खराब हो रहे हैं, और वॉशरूम का नल भी ठीक करना है और किचन का भी। बस बस मैडम, हम समझ गए, आप एक एक करके बताइए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। चलिए। हेलो जी मम्मी जी। मम्मी जी आपकी ट्रेन है ना, टाइम से निकल जाइएगा। अरे मम्मी, हमने तो आपका कमरा कब से रेडी करके रखा है, आप आइए तो सही, आप जल्दी आइए। जी मम्मी जी। मैडम देख लीजिए, सही हो गया। भैया ये चल नहीं रहा है, कैसे बनाया आपने? अरे सुबह ही तो नहाए थे, आपकी वजह से फिर नहा रहे। मैडम हमें लगा ठीक हो गया, लेकिन हुआ ही नहीं। हम कर देंगे, आप परेशान मत होइए। आप आ गए। ये कौन है? ये विशु है, बबीता भाभी ने भेजा है रिपेयरिंग के लिए। हुई रिपेयरिंग? हुआ नहीं है, पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा। तो करो फिर। ठीक है। आप ये हमारे लिए लाए हैं ना? हाँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। पता है जो ऑफिस में तुम्हारी बहुत याद आई, कुछ काम ही नहीं कर पाया मैं। अच्छा अच्छा, मैं ना जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, जब इस तरह से पराए मर्दों के साथ अपनी बीवी को देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सब ठीक है ना? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। देखो विद्या, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, और खासकर जब तुम घर पे अकेली हो। ऐसे तुम किसी भी आदमी को घर पे नहीं बुला सकती, पता नहीं कौन कैसा निकले। अरे विशु मोहल्ले में सबके यहाँ काम करता है, सब जानते हैं उसे। जानते होंगे, पर क्या हम उन्हें जानते हैं? हम तो खुद यहाँ नए नए आए हैं, हम कैसे किसी पे भी भरोसा रख सकते हैं? अच्छा बाबा, आगे से हम आपसे पूछकर ही किसी को घर पर बुलाएंगे, अभी अपना मूड ठीक कीजिए। अच्छा सुनिए मम्मी जी, सूरज भैया के साथ ना कल शाम की ट्रेन से आ रहे हैं। क्या मम्मी आ रही है? हाँ। तुमने बुलाया? हाँ। क्यों? आप ही अजीब हैं। दुनिया भर की बहुएं अपने पति से शिकायत करती हैं कि उनकी सासू माँ आ रही है, और आप खुद की मम्मी के आने से ही खुश नहीं हो। अरे यार विद्या, तुम उन्हें जानती हो, वो आते ही सर चाटेंगी।
पोता कब दे रहे हो, पोता कब दे रहे हो, मर जाऊंगी तब शक्ल दिखूंगी क्या? क्यों बुलाया उन्हें? ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर मम्मी जी ऐसा बोलेंगी भी तो हम संभाल लेंगे। आप परेशान मत होइए, और आप मम्मी जी का अच्छे से वेलकम कीजिए, ताकि उन्हें ना लगे कि आपको उनका आना पसंद नहीं है। अब मुझे काम करने दीजिए। अभी तक मोबाइल चला रहे हो? सवेरे उठना नहीं है तुम्हें? रखो मोबाइल। क्या बात है, हर रोज 100 बार बोलते हैं तो सुनते नहीं हो, आज तो एक ही बार में रख दिया। आपकी बात मानो तो भी प्रॉब्लम है, ना मानो तो भी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या चाहिए आपको हमसे। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ, चुपचाप सो जाओ। जलन होती है हमें वो पति पत्नी के बीच में इतना प्यार देखकर। जब हमारी जिंदगी में पति का सुखी खत्म हो गया है, जी करता है जो पति पत्नी प्यार करते हैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। कैसे हो भाभी? मैं अच्छी हूँ। कैसी हो माँ? कैसे हो? बढ़िया। आ गए आपके हाथ का खाना खाने। अरे मम्मी जी, खुश रहो खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। मम्मी जी चलिए। चले भाभी, चलिए चलो चलो। और बाकी घर तो बड़ा, चलिए आपने। क्या जरूरत है देवर से हंस के बात करने की? ये लड़की को क्यों समझ नहीं आता कि गुस्सा आता है मुझे ये सब देखकर? क्या बात है भाभी, क्या खाना बनाया आपने, मजा आ गया एकदम। मजा क्यों नहीं आएगा, तुम्हारे भाभी के हाथों में जादू है। वो तो है। तुम दोनों इससे भी आगे बढ़ते हो या नहीं? इससे भी आगे मतलब? मतलब ये बेटा कि तुम दोनों की शादी को 4 साल हो गए हैं और आज तक हमें अपने पोते का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ है। क्या मम्मी, अब कहीं भी कुछ भी बोल देते हो, लिहाज नहीं आपको बोलने का? लिहाज तो हमें करना पड़ता है बेटा, जब बाहर लोग हमसे सवाल करते हैं तुम्हारे बच्चे के बारे में कि क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, कोई दिक्कत है क्या, उस वक्त हमारा चेहरा शर्म से डूब जाता है। क्या कहा था हमने, आते ही सर चाटेंगे बच्चे के लिए, देख लो। अरे मम्मी जी, आप ऐसे क्यों लोगों की बातों पे आ जाती हैं? जब हमें बच्चा चाहिए होगा तो हम कर लेंगे, आप प्लीज लोगों की बातों पर मत आइए। अच्छा तो अब हम भी लोगों में आ गए, हम भी तुम दोनों से कुछ नहीं पूछ सकते? हाँ ऐसी बात नहीं है, बच्चा करना ना करना वो हमारा डिसीजन है, अब लोगों के कहने पे तो हम बच्चा नहीं कर सकते ना। गलती मेरी है, माफ कर दो, ये तो मेरा दिल नहीं मानता ना, इसलिए पूछ लेती हूँ, बट आगे से नहीं पूछूंगी और कल ही यहाँ से चली भी जाऊंगी, क्योंकि अगर यहाँ रही ना कुछ तो मुँह से निकल ही जाएगा, इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। अरे मम्मी जी खाना तो खाकर जाइए, ऐसे बीच में खाना कौन छोड़ कर जाता है? अरे अब आप कहाँ जा रहे हैं, आप भी नाराज हो गए। अरे भाभी अब चिंता मत करो, ये माँ बेटे का ना हर बार का ही ड्रामा है, गुस्सा हुए नहीं कि खाना छोड़ देते हैं, और भुक्कड़ इतने बड़े हैं कि 5 मिनट के बाद ही अकल ठिकाने आ जाती है, देखिएगा आते ही होंगे।
अरे नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। आप शेखर की मम्मी जी है ना? जी जी। आप? हम यही पड़ोस में रहते हैं, बबीता नाम है हमारा। ओह अच्छा अच्छा, विद्या बता रही थी आपके बारे में। बहुत ही अच्छी जोड़ी है आपके बेटे और बहू की, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, आज भी सबके सामने ऐसे रहते हैं जैसे कि कल ही शादी किया हो। जी बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ इसीलिए तो बच्चा भी नहीं कर रही है। विद्या कह रही थी कि अगर बच्चा हो गया तो उन दोनों का प्यार बढ़ जाएगा। काश हमें विद्या पहले मिली होती तो हम भी बच्चा नहीं करते, कम से कम हमारे पति का प्यार तो हमें मिलता। मुझे कुछ काम है, चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे दोबारा। जी प्रणाम। प्रणाम। विद्या, विद्या कहाँ है? जी मम्मी। विद्या ये कौन है? मम्मी जी ये विशु है। नमस्ते। नमस्ते। मम्मी जी वो वॉशरूम का शावर खराब हो गया था ना, तो वही बनाने के लिए आए थे। अच्छा। हाँ भी रुकिए मैं रुपए लेके आती हूँ। ये लीजिए। धन्यवाद। मम्मी जी मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? ठीक है मम्मी जी। दीवारों के भी आंख और कान होते हैं शेखर, और ऐसी बातें हवाओं से भी तेज दौड़ती हैं। अगर गांव में पता चल गया ना कि तेरी गैर हाजिरी में कोई लड़का इस घर में आता है तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तुम्हारे बाप दादाओं की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समझ रहे हो? माँ कभी तो अच्छा सोच लिया करो। तू बिल्कुल चुप कर सूरज, पढ़ाया मुझे सिखाने वाला। क्या हुआ भैया, क्या सोच रहे हो आप? कहीं आप माँ की बातों में तो नहीं आ गए? अरे माँ आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, विद्या ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, वो बहुत अच्छी लड़की है माँ, और वो आपके बेटे से बहुत प्यार करती है, अब बेफिक्र रहिए माँ। वही ना भैया, एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, फिर कोई कुछ भी बोलता रहे। नजर मत लगा। अरे नहीं भैया ऐसा नहीं लगा रहा। अरे नहीं नहीं मस्त है यार वीडियो, भेजना, पैसा तो बाद में दे देता हूँ। यही रूल है मेरे बिजनेस का, पहले पैसा उसके बाद वीडियो। दे दे यार, तू भी क्या कर रहा है यार, दे दे। अच्छा रुक रुक रुक, अच्छा ये ले। अच्छा सुन, अगली वीडियो कब दे रहा है? अभी नहीं, उस घर में एक बुढ़िया आई हुई है, इसके जाने के बाद ही वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है भाभी, ठीक है, जल्दी मिलते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी जी का भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, आप भी अपना ध्यान रखो और भैया का ना। ठीक है ठीक है, मिलते हैं। मम्मी जी खुश रहो बहू, हम जल्दी आएंगे। मम्मी जी आपको आना ही पड़ेगा, गुड न्यूज आने वाली है। सच्ची? हाँ। शिश। अभी तक मैंने उनको कुछ बताया नहीं है, पहले मैं उनको बताऊंगी फिर हम पार्टी करेंगे। माँ भरत मिलाओ हो गए हो तो चले, लेट हो रहे हैं।
चलते हैं, बता देना। ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुश रहो। जी मम्मी जी, आते हैं बेटा, ख्याल रख, खुश रहो। संभाल के जाइएगा, पहुंच के फोन कीजिए, ठीक है? अपना ख्याल रखना जी। अरे क्या कर रहे हैं आप? अभी मम्मी जी नुक्कड़ तक भी नहीं पहुंची है और आप फिर से शुरू हो गए। इतने दिनों के बाद अपनी ही बीवी अपने घर पे अकेली मिली है तो रोमांस भी ना करूं? शाम को, अभी नहीं, पहले कुछ सरप्राइज है। चलो ठीक है, जब इतने दिनों से प्यासा रहा हूं तो कुछ घंटे और सही। क्या बात है, सरप्राइज के नाम पर 6 महीने पहले दिवाली। बात ही कुछ ऐसी है कि अब हर दिन दिवाली मनाने का मन करेगा। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है? अब 9 महीने तक कुछ नहीं। 9 महीने मतलब? मतलब बुद्धू समझे नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मुझे पता है शेखर, हमने बच्चा प्लान नहीं किया था, पर ये भगवान की मर्जी है। अगर गांव में पता चल गया ना कि तेरी गैरहाजिरी में कोई लड़का इस घर में आता है तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। शेखर, शेखर, नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा इंसानी फितरत की। इंसान की फितरत है कि वो अकेला नहीं रह सकता, उसे प्यार की, लगाव की जरूरत होती है। शादी जैसे रिश्ते में ये जरूरत और बढ़ जाती है। शेखर और विद्या के रिश्ते में प्यार और शारीरिक केमिस्ट्री दोनों की कोई कमी नहीं थी। फिर अचानक से दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि उनके खूबसूरत रिश्ते में एक खतरनाक मोड़ ले लिया? किसका बच्चा है ये जो हमारे सर मर रही हो? शेखर, क्या बोल रहे हैं आप? सच बता, किसका बच्चा ये? शेखर, आपका ही है। झूठ बोलोगी? हाँ, उठ, उठ। झूठ बोलोगी इनसे? धोखा दोगी? इस प्लंबर का बच्चा है ना जो हमारे पीठ पीछे हमारे घर पे आता था? जो इस घर में गंदगी फैला रखी है तुमने और सूरज को अपनी तरफ कर लिया? यार कोई और था? बोलो, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए, वो भी अपने बच्चे के बारे में? अरे कितने बार बोलूं, ये मेरा बच्चा नहीं है।
क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हो तुम? कहीं से नहीं। हमको झूठ मत बोलो, हमने तुम्हें अभी अभी कमरे के अंदर आते हुए देखा है। टॉयलेट गए थे माँ, और कहीं नहीं। कितनी बार बताया तुमको, ये हमारा बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम नपुंसक है। नपुंसक होना क्या होता है समझते हो ना? आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बता, किसका बच्चा है ये? शेखर क्या कह रहे हो आप? आप ही का बच्चा है शेखर, आप मानते क्यों नहीं हो? सच में आपका ही बच्चा है। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? तुम पे इतना भरोसा किया, तुम पे इतना प्यार किया, तुमने हमें धोखा दे दिया। हमने कोई धोखा नहीं दिया है आपको, ये आपका ही बच्चा है, भगवान का चमत्कार है शेखर, ये आपका ही बच्चा है। सच कह रहे हैं हम, आपको धोखा नहीं दे रहे हैं शेखर। साली, अपना पाप भगवान के नाम पर डाल रही है, हमें धोखा दिया, हमारा भरोसा तोड़ा, कम से कम भगवान के नाम पर झूठ तो मत बोल। ऐसे अपराध हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिनमें लोगों के MMS इंटरनेट पर वायरल किए जाते हैं, कभी ब्लैकमेलिंग के लिए, कभी पर्सनल स्वार्थ के लिए, कभी आनंद के लिए, कि भाई किसी को बस बर्बाद करना और मजा लेना। ऐसे अपराधों के मूल में हमारे समाज की दकियानुसी सोच है, छोटी सोच, जो प्यार और शारीरिक की समीपता जैसी प्राकृतिक चीजों को वर्जित मानता है, और इसी से तो शुरू होती है एक नए जुर्म की कहानी। सोचिएगा जरूर, जैसे शेखर और विद्या के साथ हुआ, चंदू की जिज्ञासा ने उनकी जिंदगी को भंग कर दिया। सर, विद्या की माँ का फोन आया था, वो अब तक नहीं पहुंची है वहां, जबकि 3 दिन पहले ही निकल चुकी है यहाँ से। 3 दिन में आपने एक बार भी फोन नहीं किया अपनी वाइफ को कि ये पता करो कि वो ठीक है या नहीं? सर, हमें लगा इतने दिनों के बाद वो जा रही है तो अपने माँ के साथ समय बिताएगी, हमें क्या पता था कि वो वहाँ पहुंची ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ आराम से बैठे थे। पता नहीं यार। देखिए, आप संभालिए अपने आप को, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी वाइफ विद्या को ट्रेस करने की, जल्दी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। क्या हो गया शेखर, विद्या कहाँ चली गई? पता नहीं भाभी,
विद्या कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? सर, इस शेखर की कहानी मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। जब कोई सफर में जाता है अकेले तो उसके घर वाले एक एक घंटे में कॉल करके पता करते रहते हैं, और इसने पिछले 3 दिन में एक भी कॉल नहीं किया अपनी बीवी को। आस पड़ोस में सबसे बातचीत करो, पूछो उनसे कि उन्होंने विद्या को लास्ट टाइम पे कब और कहां देखा था। कहीं मियां बीवी के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? जी सर। और हाँ, तेजी से, एक एक मिनट कीमती है हमारे लिए। जितना टाइम निकलेगा विद्या के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। वी नीड टू फाइंड हर एज सून एज पॉसिबल। अरे किस लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हो आप? शेखर और विद्या में इतना प्यार था कि हमें अपने पति से चिढ़ होती थी कि ये शेखर जैसे क्यों नहीं है। घर में कोई बड़ा है, बुलाओ। क्या हुआ, कोई है नहीं घर में? माँ बाप कोई तो होंगे, बुलाओ। चंदू तुम अंदर जाओ, विद्या के बारे में बात करना था। क्या बात करनी है सर? वो तो बहुत अच्छी लड़की थी, पता नहीं अचानक उसके साथ क्या हुआ कि वो अचानक गायब हो गई। आपको क्या लगता है उसके साथ कुछ हुआ था? किसने किया, उसके पति ने, शेखर ने? नहीं नहीं सर, शेखर विद्या के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वो दोनों तो हमेशा प्यार में डूबे हुए रहते थे। आपका बेटा इतना घबराया हुआ क्यों है? कैसे कुछ मालूम है? सर बच्चा है, उसे क्या मालूम होगा, अचानक मोहल्ले से एक औरत गायब हो गई, डर तो लगेगा ही। हाँ बोलो। क्या बॉडी पार्ट्स मिले हैं? ओके, आई एम ऑन द वे, थैंक यू। नहीं सर, ये नहीं हो सकता, विद्या हमें छोड़ के नहीं जा सकती सर। अरे शेखर, शेखर खुद को संभाल बेटा, तू ही ऐसे टूट जाएगा तो मेरा क्या होगा बेटा? मैंने भी तो अपनी बहू और होने वाले पोते को खोया है बेटा। क्या कहा आपने? विद्या मां बनने वाली थी। उसने तुझे नहीं बताया? उसने हमें क्यों नहीं बताया? बताने वाली थी बेटा, लेकिन उससे पहले किसी ने हमारी खुशियों को नजर लगा दी बेटा। सर, विद्या के हत्यारों ने ना सिर्फ हमारी विद्या को छीना है, बल्कि हमारे होने वाले बच्चे को भी। आप प्लीज उस हत्यारे को पकड़ लो सर, और हमारे विद्या को न्याय दिला दो प्लीज सर। डोंट वरी, हम जल्दी पता लगा लेंगे। क्या हुआ चंदू, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, हमारी तरफ देखो। क्या हुआ है, कुछ दिन से देख रहे हैं, डरे डरे से रहते हो, स्कूल नहीं जाते हो, पूरे पूरे दिन कमरे में बंद रहते हो, बताओ क्या हुआ है, बताओ बेटा, हमें बताओ। क्या छुपा रहे हो, मोबाइल में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं। बताओ चंदू, दिखाओ हमें। नहीं।
बेटा, दो दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लो वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा हमें भूख नहीं है माँ, प्लीज। ऐसे कैसे भूख नहीं, थोड़ा तो खा। सर कुछ पता चला विद्या को किसने मारा है? पता तो हमें सब चल चुका है, अब तुम जेल जाने वाले हो। अपनी बीवी विद्या और उसके होने वाले बच्चे के मर्डर के केस में। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर भैया भाभी से इतना प्यार करते थे, ये क्यों मारने लगे उन्हें? सर भैया भाभी को नहीं मार सकते, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमने ही मारा है विद्या को। वो हमें धोखा दे रही थी। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ पागल हो गया है तू? तू क्यों मारेगा विद्या को? तू तो उसे कितना प्यार करता था ना। और वो नहीं करती थी माँ, इसलिए तो वो किसी और के साथ भाग गई। और किसके पास, कौन था उस बच्चे का घर? पता नहीं, लेकिन हम नहीं थे। जब तुम्हें यही नहीं पता तो तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि उस बच्चे का बाप तुम नहीं हो बल्कि कोई और था? क्योंकि हमने गांव में जांच करवाई थी। हम बाप बन नहीं सकते क्योंकि हम नपुंसक है। तो क्या ये बात विद्या को पता थी? हमने जानबूझकर विद्या को नहीं बताया, हमें डर था अगर उसे पता चला तो हमें छोड़ के चले जाएगी, इसीलिए हम बहाना बना रहे थे कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन वो अपने लवर के बच्चे को हमारा बच्चा बनाकर हमें बेवकूफ बना रही थी। तो इसलिए तुमने उसको मार दिया? बहुत प्यार करते थे सर हम विद्या से, लेकिन जब उसके धोखे का पता चला तो इतना गुस्सा चढ़ गया तो उसे मारते गए और तब तक मारते गए जब तक वो मर नहीं गई। उसने हमें धोखा दिया है सर, हमारे प्यार को धोखा दिया है। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। डीएनए टेस्ट करवाया विद्या के होने वाले बच्चे का, वो सच कह रही थी, उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था, उसके होने वाले बच्चे के पिता तुम ही थे। ये देखो रिपोर्ट, देखो। हम उस बच्चे के पिता कैसे बन सकते हैं सर? हमने गांव में जांच करवाई थी, हम बाप नहीं बन सकते। किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लिया था क्या, या गांव के झोला छाप बाबाओं की बात को पत्थर की लकीर मानकर बैठ गए? काश तुमने किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपनी जांच करवाई होती तो आज विद्या जिंदा होती, तुम्हारा बच्चा भी जिंदा होता। तरस आता है मुझे तुम जैसे लोगों पर जो अपने शक की वजह से अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो देते हो और बाद में जिंदगी पर पछताते रहते हो, और तुम भी पछताओगे जेल में बैठकर। देखा आपने कैसे शेखर ने अपनी नपुंसकता के बारे में विद्या को भी नहीं बताया था, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करता था। वो तो किसी भी रिश्ते में विश्वास होना बहुत जरूरी है, बहुत साफ बात, बिना विश्वास के रिश्ता कैसे भी हो वो झूठा ही होता है। जैसा शेखर और विद्या का रिश्ता था, जहां प्यार करने वाला ही हत्या करने वाला भी निकला। हमें प्यार के बड़े बड़े दावे करने से पहले एक दूसरे पर भरोसा करना सीखना होगा, नहीं तो बेकार है। प्यार का सच्चा मतलब समझना होगा कि प्यार का मतलब क्या, ताकि ऐसे मामले खत्म हो इस धरती से और सच्चे प्यार की वास्तव में जीत हो। शेखर की ना समझी हम सबके लिए भी एक सबक है। गांव के छोटे से डॉक्टर ने उसे कह दिया कि वो नपुंसक है और उसने मान लिया था। दुनिया को बताने की शर्मिंदगी में उसने अपनी जांच ठीक से नहीं कराई थी। अरे दुनिया को बताने शर्मिंदगी करने, अपनी जांच ठीक से तो करवा लेता, किसी से यार दोस्त से बात कर लेता, शर्माने छुपने की क्या बात है।
अबे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास दूसरी राय तो लेता कि है या नपुंसक या नहीं है, शरीर ठीक है या नहीं है, तो शायद विद्या भी जिंदा होती और उसका होने वाला बच्चा भी। इसीलिए मानते हैं ना आप कि शादी में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। इसी ख्याल के साथ मैं रवि किशन लेता हूं आप सबसे विदा, इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।